नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस सावन के पुण्य अवसर पर भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण आशीर्वाद आपको मिल रहा होगा। आज हम बात करते हैं, बहुत सारे मित्र दोस्त लड़कियां पढ़ी लिखी मोस्ट एजुकेटेड, उनको अनानास ही डर का एहसास होता है, बिना किसी बात के, कोई कारण नहीं होता, लेकिन वो डर में जीती हैं। नौकरी का डर, शादी का, या माँ बाप का, या किसी भी बात का, उनसे भयभीत रहती हैं। दूसरी बात होती है, उनको एहसास होने लगता है गलती से, या ये मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि उनके आसपास कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है, उनको मेहनत कर रही है, उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा। घर से जो अपने जानकार लोग हैं, उनसे वातावरण इस तरह का हो गया कि उनकी बातचीत में कड़वाहट आ गई। बीमारी में बहुत खर्च हो रहा है, जितनी लगन से मेहनत से काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा। आज हम कालसर्प दोष की बात करेंगे। पहला कालसर्प दोष मुख्य होता है, लगन में किसी व्यक्ति के राहु बैठ गए और सप्तम भाव में केतु बैठ गए। लगन मतलब स्वयं आदमी होता है, और सप्तम का मतलब होता है पार्टनर, पत्नी या कोई भी अन्य लोग। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बनने से एक योग बन गया, जिसको बोलते हैं अनंत काल सर्प योग। इस योग के कारण व्यक्ति अनेकों षड्यंत्रों में फंस जाता है। जो उसके पार्टनर हैं, पत्नी हैं, पति हैं, ये कोई फंसा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उसके जीवन की शांति भंग हो जाती है, कोर्ट कचहरी के केस लग जाते हैं, परेशानी होगा, अनेकों ने कारण नहीं होते हुए भी कोर्ट केस बन जाते हैं। कारण बता दिया आपको, अब इसके निवारण उपाय बताते हैं, और इसका एक और कारण बताते हैं कि अगर राहु के साथ गुरु बैठ गए और तो ये चंडाल योग बन गया, राहु के साथ मंगल भी बैठे हुए हैं तो ये अंगारक योग बन गया, ज्यादा परेशानी देने वाला हो गया। तो ऐसे में आपको उपाय जरूर करने चाहिए। उपाय बहुत आसान बताते हैं, शिव भोलेनाथ का व्रत रखिए हर सोमवार को, और इस सावन के अवसर पर तो जरूर रखिए। दिक्कत आ रही है तो घर के अंदर तुलसी के पौधे में एक शिवलिंग की स्थापना कीजिए, और उस शिवलिंग पर नियमित रूप से हर सोमवार को जल अर्पित कीजिए। एक रांगे का सिक्का आता है, कहीं से लीजिएगा, सुनार की दुकान से, उस सिक्के को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। एक और उपाय होता है, आठ मुखी रुद्राक्ष आप रखिए अपने पास हर समय, बाजू में बांध के रखिए, कहीं भी रखिए, गले में बांधिए, बहुत फायदा होता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जाके जल अर्पित कीजिए और सात बार उसकी परिक्रमा कीजिए। गरीब व्यक्तियों को अगर कंबल या वस्त्र का दान करेंगे तो उत्तम रहेगा शनिवार को, खास तौर पे उड़द, साबुत उड़द होती है काले रंग वाली, और तेल का दान आप करें, बहुत उत्तम रहेगा। और रुद्राक्ष की एक माला धारण कर लें। और इन सब के साथ साथ अगर आप चाहें तो ये एक संपूर्ण कालसर्प यंत्र होता है, इसको अपने ऑफिस में, अपने घर में, या जिस पीजी वगैरह में भी आप लोग रहते हैं उसमें इसको स्थापित कीजिए। आपके नाम से ये अभिमंत्रित होता है, और इसके अनेकों फायदे होते हैं, और ये 12 इस तरह के इसमें यंत्रों की शक्ति होती है। सारे क्रूर ग्रहों की जो भी क्रूरता होती है उसको रोकने की इसके अंदर असाधारण क्षमता होती है। दोस्तों, कोई समस्या का निवारण चाहते हैं, एक प्रश्न निःशुल्क उत्तर देता हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। धन्यवाद।